हेलो, हाँ हाय, नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के इस नए रेसिपी के साथ। आज हम बिल्कुल नया रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं जो कि एक मिक्स डिजर्ट है। यहाँ पर हमने साबूदाना और सेविंग का मिक्स खीर बनाया है। ये खीर बहुत ही जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि आप बिल्कुल इसको भूल ही नहीं पाएंगे। घर पर कभी भी कोई मेहमान आए या फिर कोई भी आए, आप इसी को ही बना के खिलाएंगे। चलिए इसको बनाने के प्रोसेस शुरू करते हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हमने कढ़ाई को बिठा दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए तो हम उसमें ऐड कर लेंगे घी। अब हमारा कढ़ाई गर्म होने लग गया है तो हम इसमें 2 टीस्पून घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद हम उसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और घी गर्म होने लग जाए तो हम उसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हम अभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने काजू, किशमिश और बादाम को थोड़ा क्रश करके ले लिया है। अब उसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमें उसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लेना है। अब यहाँ पर काजू, किशमिश और बादाम अच्छे से फ्राई हो गया है तो हम उसको प्लेट में निकाल के साइड में रख लेते हैं। आपको इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए सारे ड्राई फ्रूट्स तो आप उसको साइड में रख लीजिए निकाल के। तो आगे की प्रोसेस हम इसी सेम कढ़ाई में ही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सेविंग को ले लेंगे। यहाँ पर हमने सेविंग जो लिया है वो रोस्टेड है तो हमें ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। एक आधा सेकेंड या 1 मिनट तक हम उसको रोस्ट कर लेंगे, फिर उसमें आगे की प्रोसेस शुरू कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, जो हमारा सेवई है वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है और भी। तो अब इसमें हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम दूध को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 लीटर दूध को ऐड कर रहे हैं जो कि पहले से हमने बॉईल करके रखा है। अगर आप पहले से बॉईल करके रखोगे तो आपको इजी रहेगा जल्दी जल्दी इसको बनाने के लिए, क्योंकि हम ये इंस्टेंट खीर बना रहे हैं। इंस्टेंट बनाने के लिए हमें पहले से सब कुछ रेडी करके रखना है। तो दूध हम यहाँ पर पहले से गर्म करके रखे थे तो इसको हमने अभी ऐड कर लिया है। दूध ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, सेवई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम दूध ऐड करने के साथ साथ इसको हम मिक्स नहीं करेंगे तो सेवई क्या होगा, इकट्ठे हो जाएंगे एक ही जगह पर। तो इसको हमें मिक्स करते रहना है, हमें स्टिर करते रहना है। अब यहाँ पर हमने सेवई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सेवई को मिक्स करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, सैफरन को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून से भी कम सैफरन को ऐड किया है। सैफरन ऐड करने से 2 चीज़ होता है, एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है और इसका जो आरोमा है वो बहुत ही बढ़िया आता है खीर में। तो अगर आपके पास सैफरन है तो ऐड कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसमें आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सेवई है वो बहुत अच्छे से 60% तक बन गया है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, साबूदाना को ऐड कर लेंगे। साबूदाना को हमने 3 से 4 घंटा पहले ही भिगो के रख लिया था। हमने इसमें ज़्यादा साबूदाना ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बस एक मुट्ठी भर साबूदाने को भिगो के रख लिया था। तो इस तरह से आपको साबूदाना पहले से ही भिगो के रखना है। 4 घंटा भिगोने से साबूदाना अच्छे से फूल जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस 4 घंटे तक उसको अच्छे से भिगो के रख लीजिए और इसमें हमें ज़्यादा साबूदाना ऐड नहीं करना है, बस मुट्ठी भर साबूदाना ऐड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। इलायची पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची को कूट के भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक बढ़िया सा खीर में आरोमा आ जाता है। इलायची तो खीर में ऐड करना बनता ही है, तो आप ज़रूर इसमें इलायची ऐड कर दीजिएगा। चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसमें उबाल आने लग गया है। उबाल आने लगे तो हम उसमें ऐड कर लेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो खीर है वो थोड़ा सा थिक बनता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर आपके पास कोई जो दूध वाली पाउडर मिलता है वो है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ा सा शुगर और ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर जो शुगर ले रही हूँ आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे।
तो क्योंकि इसको ठीक करने के साथ साथ इसमें मिठास भी एक बढ़िया सा आ जाता है, इसीलिए हम कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हमारा खीर बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही बढ़िया थिक बन के रेडी होता है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर हम अच्छे से उबालने देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे शुगर, क्योंकि हमारे खीर में अच्छे से उबाल आने लग गया है। तो यहाँ पर हम 1/3 कप शुगर ऐड कर रहे हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा शुगर ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ऐड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें भी अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा, इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है सेवई बहुत ज़्यादा फूल जाता है और जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है उसका फिर। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, ध्यान से इसको बनाना है और जो प्रोसेस है वो आपको देख के ही बनाना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुगर को करामल करेंगे। करामल करने से क्या होगा, जो खीर में एक कलर आता है ना, उसको देखते ही आपका मन भर जाएगा। तो यहाँ पर आपको लो फ्लेम में शुगर को आप जितना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून शुगर को करामल करके ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहे तो सारे जितने भी शुगर आप ऐड करना चाहते हैं ना, वो सारे को कारामल करके ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हम यहाँ पर कारामल कर चुके हैं, इसमें थोड़ी सी गर्म पानी आपको ऐड कर लेना है। इससे क्या होता है, शुगर में जो कड़वापन आ जाता है करामल करने के बाद वो नहीं रहता है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान देना, कभी भी आप करामल करके खीर बना रहे हैं या किसी भी चीज़ को बना रहे तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमने जो करामल शुगर है वो उसको ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको थोड़ी देर और पका लेंगे। आप देख सकते हैं जो सेवई और साबूदाना है वो दोनों अच्छे से पक गए हैं, और ज़्यादा देर हमें उसे नहीं पकाना है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हम क्या करेंगे, सारे ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा रखेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसमें हमने ऐड कर लिया है, आप और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब गैस को बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये क्या होगा, थिक हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है, थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का रखना है, ताकि हमारा जो ठंडा होने के बाद भी इसमें जो थिकपन आ जाता है वो नहीं आए, ये अच्छे से हमारा खीर जैसा ही बन के रहे। तो इसीलिए हम इसको अभी इस दौरान गैस को बंद कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा खीर बन के हमारा रेडी हो गया है, झटपट बन के रेडी हो गया है। इसको कोई ज़्यादा मतलब हमारा प्रेशर नहीं होता है कि खीर बनाएंगे कैसे बनाएंगे क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस आराम से बन के रेडी हो जाता है। तो खीर बनाइए और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने पूरे परिवार को खिलाइए, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब बनता है। आज का ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया है, जो साबूदाना और सेवई का मिक्स खीर हमने बनाया है, ये बहुत ही लाजवाब डिज़र्ट है, ये अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। और आप इस तरह का डिज़र्ट बना के, इस तरह का खीर बना के अगर किसी को भी खिलाएंगे, वो आपके तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। इसको हम गार्निश करते हुए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के और नए रेसिपी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सपोर्टिंग अस।